Good morning. Good morning. भाखरी भाखरी बनेगी इधर चाय बन गई है। इंडिया में जो भाखरी बनाने का मजा आता है ना, वो इधर नहीं आता है, क्योंकि इधर वो मोटा आटा कम मिलता है। पतले आटे की जो गुड़ पापड़ी बनती है तो भी ये नॉर्मल आटे की बनती है, तो वो इंडिया वाला जो मजा है वो इसमें नहीं होता है। फिर भी हम वैसे मजेदार होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मान लेते हैं कि ये भाखरी है। केम चो मित्र जमा, आज का दिन शुरू करते हैं। कोशिश करते हैं, जितने लोग सुबह उठ के ये लोग कर रहे हैं उनको मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो भी लोग ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं ये उनके लिए थोड़ा सा सजेशन है। ओके, सबसे पहले उठ के हमको जो भी काम है वो तो करना चाहिए, लेकिन गूगल में दो चीजें लिख के उसका प्राइस जानना चाहिए। सबसे पहला हमको लिखना चाहिए DXY फ्यूचर, इसको बोलते हैं डॉलर इंडेक्स, वो भी लिख सकते हैं। डॉलर इंडेक्स वो आंकड़ा है जो 6 करेंसी एक साइड, चाइनीज युआन, जापान का येन है, डॉलर है, पाउंड, ये डॉलर क्या, ये पाउंड स्टर्लिंग है, यूरो है, ये 6 का बास्केट के सामने डॉलर कितना तगड़ा है ये उसका आंकड़ा है। देखो आजकल डॉलर इंडेक्स चल रहा है 103, 102, 105, ठीक है। पहले तो हमको रोज सुबह उठ के ये देखना है कि ये कितना है, एक्चुअली ये 100 से कम होना चाहिए, वो मैं बताऊंगा क्यों देखना चाहिए। दूसरा देखना चाहिए हमको लिखना है ब्रेंट क्रूड प्राइस टुडे, आजकल ये चल रहा है 120, 122, 123, ठीक है। अभी हमको देखना है, रोज 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 हम देखेंगे तो धीरे धीरे पता चलेगा हाँ ये थोड़े दिन से यहीं पे टिका है, फिर बड़ा है या कम हुआ है। डॉलर इंडेक्स जो है वो 100 से कम होना चाहिए, ब्रेंट क्रूड का प्राइस है वो 90, 90 होना चाहिए, चलो 80 नहीं गिनते, 90 होना चाहिए। फायदा क्या होगा इससे? फायदा ये होगा कि हमको पता चलेगा कि महंगाई कब तक रहने वाली है, ताकि हम मोदी जी को कोसना भी बंद करें, ठीक है। ये चीजें जब तक ऊपर रहेगी तब तक कभी नीचे नहीं आएगा, प्राइस बढ़ेगा। ये भी हम पता लगा सकते हैं कि हमको अपना जेब में कितना दिन ताला मार के रखना चाहिए, ताकि अभी थोड़ा कम खर्चा करेंगे तो बाद में जब सारी प्राइसेस कम हो जाएंगी तो ज्यादा करेंगे, ऐसा। बाकी भी बहुत सारे फैक्टर, ऐसा नहीं बोल रहा कि ये सिर्फ दो देख के हम महंगाई का पता लगा लेंगे, लेकिन ये दो मोटा मोटी मेन है, इन पे थोड़ा नजर रखना शुरू करेंगे तो धीरे 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 ये फा जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। आए आए। बोल भाई। दो चीज नहीं चेक करनी है, तीन करनी है। अच्छा ओके। सुबह उठ के ये भी देखना है, अगर बीवी है तो बीवी, मम्मी है तो मम्मी, और दोनों है तो दोनों का मूड सुबह सुबह कैसा। बना के देगी या नहीं देगी, तब भी जाके पूरा दिन सही होएगा। हाँ, तो ये प्राइमरी है, ये बाद में नहीं, ये सबसे पहले देखो, उसके बाद वो दो चीज देखो। सही है ना। ओके दोस्तों, तो मैं अभी काम पे जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, अभी मैं ये मस्त रेडी होके जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए। मेरी फ्रेंड्स यहाँ बड़ौदा में ही है। फाइनली मैं आ गई हूँ अपने फ्रेंड को मिलने के लिए। मैंने उधर मेरी एक्टिवा पार्क की है और मैं आई हूँ ईवा मॉल पे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ईवा मॉल का ये एंट्रेंस है। ये ईवा मॉल जो मांझलपुर में आया हुआ है, काफ़ी अच्छा मॉल है, बहुत ही यहाँ पे शांति भी है। और मज़े की बात ये है कि अभी मस्त ठंडी हवा चल रही है, और यहाँ पे देखिए कितने मस्त छोटे छोटे फाउंटेन भी हैं। वहाँ पे कोई छोटी सी होड़ी है, वो राइड भी वहाँ पे है, और भी कई राइड है लेकिन अभी वो चालू नहीं है। तो मैं आपको मिलवाती हूँ मेरी फ्रेंड से, यह है अंकिता।
और ये मेरी फ्रेंड है, हम MSU में साथ में थे, तो आज मैं इनसे मिलने आई हूँ, तो मैं आपको साथ में मॉल भी दिखाऊंगी। अभी यहाँ पे देखिए, ये भाई साहब का कुछ काम नहीं है, ऐसे ही बैठे हुए हैं। यहाँ पे मैकडोनल्ड्स है। जब हम पहले आए थे ना, जब दुबई से प्री वेडिंग शूट करके, तब शायद हम इधर ही आए थे, यहाँ पे हमने मैकडी में खाया था। और यहाँ पे बहुत सारी कपड़े की शॉप भी है, कितनी सारी ब्रांड भी यहाँ पे अवेलेबल है। कुछ लेना तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही देखेंगे। पांडा वाली ट्रेन है। मॉल में ना सारी चीजें अवेलेबल है, गेम जोन भी है, थिएटर भी है। जैसे मैं दुबई में देखती हूँ ना, तो मैं मम्मी का लखन का सिर खा जाती हूँ कि मुझे ना इसमें बैठना है, लेकिन वो लोग तभी यहाँ पे हैं नहीं, तो मैं अपने आप से कहूँगी मुझे इसमें बैठना है। अभी मेरा दूसरा सपना है, वो भी पूरा होने जा रहा है। मैंने अभी ये बाइक खरीदी हुई है और अभी मैं जाने वाली हूँ इसमें दुबई। किसी को आना है तो साथ में आना हो, पीछे एक सीट खाली है, मैं उधर आप लोगों को दिखा रही हूँ। आ गए हैं इधर चटुरे में। मेरी जब मैं MS में स्टडी कर रही थी ना, तभी मेरी खास मेरा ग्रुप था। अभी ग्रुप में ना कोई लोग ही अभी इंडिया में बचे हुए हैं, जैसे कि अंकिता है और मेगल है, वो भी अभी थोड़े दिन में इसे हो जाने वाले हैं। मैं भी सारे दोस्तों को मिस कर रही हूँ, मेरा पूरा गैंग था उसको। लेकिन अभी यहाँ पे मैं और अंकिता, हम दोनों ही यहाँ पे हैं। और जो मेगल है, मेगल और अंकिता ने दोनों ने मिलके ना मेरे लिए एक सरप्राइज दी हुई है, मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ वो भी। तो ये स्पेशल गिफ्ट मुझे और लखन को दी हुई है, तो लखन मैं आपके से की भी ये गिफ्ट को ओपन कर लूँगी। देखिए कितना प्यारा सा इसको मस्त पैक किया हुआ है। थैंक यू मेघा और अंकिता, अनबॉक्स करेंगे। कितना पैक किया है, देखिए चांद शकल भी देख सकते हो। और आप कभी शकल देख के मुझे लखन की याद आ जाए, तो मुझे बस यहाँ से एक बटन को प्रेस करना है, लखन मेरे सामने। थैंक यू। डिलीशियस खाना आ चुका है, अभी हम इसको काट के खाना शुरू करेंगे। तालिया। तो मिली हमारी ये दूसरी मोहतरमा से, मेगल से। हाय मेगल, थैंक यू सो मच, इतनी प्यारी सी गिफ्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। ये अभी नडियाद में है, एक इधर बैठी हुई है मेरे साथ, हम दोनों अकेले चिल कर रहे हैं। हम तीनों MS यूनिवर्सिटी में साथ में हम लोगों ने पढ़ाई की है। पानी पूरी डिलीशियस, लाजवाब। सो हमने दो प्लेट सैंडविच खाई और दो प्लेट हमने पानी पूरी खाई, तो अभी पेट हो गया है एकदम फुल। तो अभी मैं और अंकिता निकल रहे हैं यहाँ से बाहर, अभी कुछ मन हो रहा है गोला खाने का, तो अभी मैं और अंकिता जाएंगे गोला खाने के लिए। अभी मेरा तीसरा सपना है, लेकिन मुझे लगता है कि ये नहीं पूरा होगा, क्योंकि अभी मैं इसमें बैठूंगी ना तो ना वैसे ऐसे डुड़ुक हो जाएगी। ईवा मॉल के सामने ना ऐसे रोड है, और रोड को क्रॉस करके सामने बाजू में वहाँ पे गोला वाला है, तो हम लोग उधर ही जा रहे हैं। गाड़िया और हम और ये रास्ता और वो देखिए पेट्रोल पंप। गोले में ना इतनी लंबी लाइन है कि हमको वेट करना पड़ेगा कब हमारा टर्न आएगा। तब तक मैं ऐसे यहाँ पे चल रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारा खाया हुआ है। वेदर बहुत अच्छा है, जितनी दोपहर को गर्मी लगती है ना, उतनी ही यहाँ पे भी ठंडी हवा चल रही है। बस ऐसे बनाते, आपका हाथ ऐसे ठर नहीं जाते, ठंडे नहीं हो जाते। कितना मस्त है। तो भाई लोग और बहन लोग, आ गया है ये डिलीशियस गोला हमारे साथ, और अभी हम इसको चट कर जाएंगे। फाइनली जा रही हूँ घर पे। बाय बाय ईवा मॉल, थैंक यू फॉर सच ब्यूटीफुल मेमोरीज।
मैं घर पे आ चुकी हूँ, ये मेरी चेयर है, ये मेरा अड्डा है। मैं जब भी बाहर से आती हूँ सबसे पहले मैं आके इधर इसी चेयर पे बैठती हूँ, क्योंकि ये मेरी फेवरेट जगह है, मेरी फेवरेट चेयर है। इधर ही बालकनी है, सो मुझे काफी अच्छा लगता है, इधर से मस्त हवा भी आती है। मॉम, डैड, लखन, कृष्णा बेन, मामा, सभी को मैं बहुत ही याद कर रही थी और आप सभी लोगों को भी याद कर रही थी, क्योंकि अभी आपका और हमारा मिलना नहीं हो रहा था ना, तो अभी से आपका और हमारा मिलना होएगा। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। बाय, सी यू सून। केम जो मित्र, मैं वापस आ गया हूँ। और उधर देखो, एक डैडी है वो बहन के साथ बात कर रहे हैं, मम्मी है वो मामा और मामी के साथ बात कर रही है। चलो कोई बात नहीं, उनको बात कर लेने देते हैं, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ खाने। मैंने एम कहता हूँ बता, वो बिजी छो। हाय मामा, कहाँ वाले लेने जासो मित्रो। हमें जॉट आवो पाजा, इधर सब आपका पूछ रहे हैं, वो व्यूअर लोग भी पूछ रहे हैं और दुकान पे भी पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है, थोड़े दिनों में वापस आ जाएंगे उधर। ओके, कंटिन्यू, दूसरे उम्मीदवार से मिलते हैं। हाय बेन, इसका ना आज किलोमीटर जीरो हो गया है। क्यों हो गया भाई? क्योंकि घर शिफ्टिंग कर रहे हैं ना, तो ऐसे सब जगह पे सामान 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 पड़ा है, तो मजे ही आ रहे हैं। वाह, कंटिन्यू। ओके, ऐसा है। और मैं दोस्तों, ऐसा नहीं है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, खाना देखते हैं तब तक। देखो चाय बनी है, रोटली का सब्जी है, उसमें वो तड़ा हुआ थेपला, और ये खाली प्लेट है, अभी हम भर देंगे। दोस्तों 11 में 5 कम हो गई है, और आज हम ये बर्थडे और एनिवर्सरी पहले ही बोल दे रहे हैं, क्योंकि खाने के बाद मैं जाऊंगा बाल कटाने, बाल कटाने के बाद एक आधा घंटा मैं आऊंगा, फिर नहाऊंगा, तो फिर तब फिर बहुत लेट हो जाएगा, तो हम ये फिर बर्थडे के बाद व्लॉग को आज इधर ही एंड करेंगे। ओके, बताइए डैडी। भाई यूएस से है भगवती बेन सुथार, उसकी बेटी इंडिया में है, नाम नहीं लिखा है, उसका बर्थडे है। ओके, और एक बिलेटेड यानी कल 10 जून को बिपिन भाई शाह का बर्थडे था, उसकी बेटी मित्तल शाह ने बताया है। हैप्पी बर्थडे, बहन भी बोल रही है। और एक एनिवर्सरी भी है, okay. वो भी बिलेटेड ही है। ओके, क्योंकि अपने ब्लॉग चालू नहीं थे, 5 जून को विजय भाई वीएम रावल लिमड़ी से। हैप्पी एनिवर्सरी दोस्तों। आज ऐसा दिन था कि आपने मामा को भी देखा, मामी को भी देखा, बहन को भी देखा, औनी को भी देखा, हमको भी देखा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जलसा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।